नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जयपुर के पास में चोमू शहर के अंदर, जहां पे यूटीएल कंपनी का 30 किलो वोट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी पूरी कंप्लीट हमें जानकारी देने वाले हैं, इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये यूटीएल कंपनी का 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है एमजीएफ वेटरनरी कॉलेज चोमू के अंदर, और यहाँ पे ये कंप्लीट सिस्टम लगाया गया है यूटीएल कंपनी के द्वारा, और इसी की हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो यहाँ पर 540 वोट के बाईफेसियल टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर सोलर पैनल के ऊपर आपको 27 साल तक की वारंटी भी मिलती है। इन सोलर पैनल को लगाने का फायदा यह है कि लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी बिजली की जनरेशन कर सकते हैं, क्लाउडी वेदर के अंदर भी काफ़ी अच्छी बिजली की जनरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट सिस्टम लगवाना चाहते हैं किसी इंस्टॉलर से, तो आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सोलर पैनल पर लगभग 27 साल की वारंटी मिलती है, तो आपका सोलर पैनल भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए और रेप्यूटेटेड ब्रांड का होना चाहिए, जो इतने लंबे समय तक की वारंटी को प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी उतनी ही ज्यादा पुरानी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका सोलर सिस्टम लगता है वो एक स्ट्रक्चर पर लगता है, तो स्ट्रक्चर की क्वालिटी भी काफी अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर हॉट डीप गैल्वनाइज आयरन वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, जिसपे जंग नहीं लगता और लंबे समय तक बहुत ही आराम से वो टिक जाता है, तो 27 साल तक भी आपके स्ट्रक्चर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को भी देखना बहुत ही जरूरी है। काफ़ी इंस्टॉलर यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए स्ट्रक्चर के अंदर फाउंडेशन नहीं करते हैं, सिंपली होल फास्टनर लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पर तेज हवा चलने पर आपके स्ट्रक्चर का उड़ने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस साइट पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाउंडेशन की गई है, हॉट डिप गैल्वनाइज आयरन के स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी को भी काफ़ी यहाँ पर ध्यान में रखा है, यहाँ पर काफ़ी बड़े लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो ये प्लांट है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर इसके लिए काफ़ी बड़ी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो आपके कंप्लीट सेटअप के लिए आपको तीन तरह की अर्थिंग की भी आवश्यकता होती है, एक अर्थिंग होती है आपके सोलर पैनल की तरफ से, दूसरी होती है आपके एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, तीसरी होती है आपके एसी लोड के लिए, जो कि इन्वर्टर की तरफ होती है। इसके अलावा भी यहाँ पर एसी डीबी डीसी डीबी बॉक्स का यूज होता है पूरे कंप्लीट सिस्टम की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इन तमाम पॉइंट को ध्यान में रखकर ही आपको एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। काफ़ी इंस्टॉलर कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर एक या दो ही अर्थिंग का यूज करते हैं, एसी डीबी डीसी डीबी बॉक्स को अवॉइड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि ये इंस्टॉलर आपको सस्ता लगा रहा है, दूसरा इंस्टॉलर महंगा लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्राइस कंपैरिजन के साथ साथ में आपको उनके मटेरियल को भी कंपेयर करना है कि कौन सा इंस्टॉलर क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद में ही आपको इंस्टॉल करवाना है। यहाँ पर पहले 30 किलोवाट की ऑनग्रिड पुरानी साइट लगी हुई है, जिसके पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के पैनल भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर बाईफेसियल टेक्नोलॉजी के साथ में यूटीएल कंपनी का 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिस पर यहाँ पर यूटीएल जेटा 30 प्रो सोलर पीसीयू का यूज किया गया है, साथ में ही 20 बैटरियां उसके ऊपर लगाई गई है। ये 150 AH की 5 साल वारंटी वाली सोलर बैटरियां हैं, और इन्वर्टर की बात करें तो ये जेटा 30 प्रो हाइब्रिड सोलर पीसीयू है, जिस पर ये 20 बैटरियां लगाई गई है। ये सोलर पीसीयू काफी ज्यादा फीचर्स के साथ में आता है। सबसे पहले ये हाइब्रिड है, तो इसे आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड कैसे भी यूज कर सकते हैं, अभी इसे ऑफ ग्रिड की तरह यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, और अपनी बिजली को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीओसी की बात करें तो इसके अंदर आपको 400 वोल्ट से लेकर 720 वोल्ट की वीओसी रेंज मिलेगी, जिससे कि आप इसके ऊपर लगभग 14 सोलर पैनल को भी सीरीज करके लगा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये मैक्सिमम प्रेफरेंस सोलर पावर को देता है, मैक्सिमम यूज इसमें सोलर एनर्जी का रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको यूएसबी और RS485 बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको थर्मल प्रोडक्शन देखने को मिलती है, टेम्परेचर बेस्ड फैन ऑन ऑफ का भी फीचर इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको इसके अंदर ग्रिड चार्जिंग, आईटी लोड और ऑपरेशन इनेबल डिसेबल जैसे फीचर देखने को मिलते हैं, और सबसे अच्छा फीचर मिलता है डिस्प्ले का, जहां पर डिस्प्ले पर ही आप इसके सभी पैरामीटर को देख सकते हैं। डिस्प्ले के साथ में ही आपको कुछ बटन भी दिए जाते हैं, जिससे कि आप पैरामीटर की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल काफी सारे एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगे हुए हैं, इसके अलावा जितना भी लाइट का पंखे का लोड होता है वो भी फिलहाल बहुत ही आराम से इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। और इस कंप्लीट सिस्टम की जानकारी हम लेने वाले हैं जिन्होंने ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया है उनसे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और प्राइसिंग के बारे में। तो ये 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम
इन्होंने लगाया था, ये UTL के ऑथराइज डीलर हैं, तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार हरिराम जी। तो सर ये बताएंगे, इन्होंने पहले यहाँ पर ऑन ग्रिड साइट लगवाई थी आपसे, अभी इन्होंने ऑफ ग्रिड क्यों लगवाई है सर? जी जी, पहले इन्होंने ऑन ग्रिड साइट लगाई थी 30 किलोवाट की, उस टाइम में इलेक्ट्रिक यहाँ ठीक थी तो सही चल रहा था सिस्टम। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से यहाँ लाइट कट रही है, तो फिर इन्होंने 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया ताकि दिन में लाइट कटे तो पंखे वगैरह यहाँ प्रॉपर चले। ओके, तो अभी इनका फिलहाल लोड क्या क्या चल रहा है सर इस सिस्टम के ऊपर? अभी सर इनका 25 किलोवाट का लोड चल रहा है। ओके, जिसमें एसी भी हैं, फैन भी हैं, लाइटें भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारा लोड फिलहाल चला रहे हैं। अच्छा चला रहे हैं सर। तो बैकअप की बात करें तो कितना बैकअप दे देता सर? सर दिन में तो ये डायरेक्ट चलता है, पैनल से चलता है, बिल्कुल सोलर से चले। हाँ, तो पूरा लोड सोलर से चल रहा है। ओके। और नाइट में कॉलेज वैसे भी ऑफ होती है। हाँ, तो लोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉपर इनका सिस्टम चल रहा है। ओके, अभी ये लगा लो कि इनको पावर कट की दिक्कत है, वो फेस करनी नहीं पड़ रही। नहीं नहीं, एकदम क्लियर है यहाँ का। तो यहाँ पे बजट की बात करते हैं, तो आपने जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था पहले, वो कब लगाया था और कितने में लगाया था सर? सर वो लगाया था आज से तकरीबन 4 साल पहले। ओके, तो 30 किलोवाट का वो 13 लाख रुपए के लगभग लगा था। ओके, उस टाइम तो सोलर पैनल की भी कीमत काफी ज्यादा थी सर। जी सर जी। तो अभी तो काफी कम हो गई है कीमत, तो अभी जो ऑफ ग्रिड लगवाया आपने ये कितने में लगाया सर? सर ये टोटल है कॉस्ट इसकी 15 लाख रुपए 30 किलोवाट की। इसके अंदर क्या क्या दिया सर आपने? सर इसमें मोनो पैनल है, मोनो बाईफेसियल, 540 वाट के 55 पैनल लगे हैं यहाँ पे। ओके जी, 20 बैटरी है 150 एम्पीयर की, और 30 किलोवाट का जेटा प्रो इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह दोनों का काम करेगा सर ये। ओके, मान लो इनको अगर इन फ्यूचर बिजली एक्सपोर्ट करनी है तो इसी से हो जाएगी। इसी से हो जाएगी सर। तो ये तो आपने काफी अच्छा इनको ये कहें कि सजेशन दिया है, क्योंकि काफी लोग क्या है कि सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा देते हैं, उसमें जो बिजली एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो नहीं मिलता, तो बाद में अगर किसी को ये ऑप्शन चाहिए तो उसको इन्वर्टर ही बदलना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये आपने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप अगर इनको इन फ्यूचर अगर बिजली एक्सपोर्ट भी करनी तो इसी इन्वर्टर से हो जाएगी। इसी इन्वर्टर से हो जाएगी सर। तो अब बात करते हैं सर वारंटी की। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है, इस पर कितनी वारंटी मिलती है सर? सर इसकी 27 साल वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी है इसकी। ओके जी सर। और आपका जो इन्वर्टर है उसकी सर? उसकी सर 5 साल की वारंटी है। और बैटरी जो बैटरी लगी है उसकी भी 5 साल वारंटी है। तो 5-5 साल की इन्वर्टर बैटरी है और 27 साल इसकी है सर। और सर यहाँ पे एक सवाल और रह जाता है कि अभी ऑन ग्रिड कितने में लग रहा है सर 30 किलोवाट? सर अभी पैनल की अच्छी रेट चल रही है। ओके। और अभी लगभग आप अगर 30 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हो तो 11 लाख के तकरीबन अच्छी क्वालिटी का UTL सोलर का लग सकता है सर। तो अभी अगर आपको ऑफ ग्रिड लगवाना है तो लगभग 15 लाख रुपए में लग जाएगा, और अगर ऑन ग्रिड लगवाना है तो लगभग 11 लाख रुपए में आप लगवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 27 साल वारंटी वाला तो पैनल मिलेगा और 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर और 5 साल वारंटी वाली बैटरी मिलेगी। ये ऑन ग्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने के लिए आप किसी भी UTL के ऑथराइज डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया UTL कंपनी का 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का खर्चा कितना आता है और कितना लोड चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।